वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज हम 8 क्लास का एक बेहतरीन सबक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंसानी जिस्म और उज़्वी निज़ाम। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो साइंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह आपको कराएंगे। इसके ऊपर टेस्ट भी होंगे, ऑनलाइन टेस्ट, जहां पर आपको कितना आपने सीखा वो आपको समझ में आएगा। तो इधर उधर ना जाते हुए हमारे साथ बने रहे। तो हमारा सबक नंबर 11 इंसानी जिस्म और उज़्वी निज़ाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। बच्चों, उर्दू के साथ ही साथ आपको जो है इंग्लिश की टर्म्स भी याद रखने हैं। क्यों भाई? क्योंकि 10th के बाद 11th 12th आप करेंगे, उर्दू मीडियम से हो सकता, लेकिन उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम्स के अंदर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है, जिससे आपको जो है आगे की पढ़ाई में दुश्वारियां नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक पढ़ने से पहले हम सबक का मीनिंग, सबक का मतलब जो है समझते हैं। और यहां पर आप देखिए, जैसे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं साइंस के अंदर तजिया होता है, टुकड़े होते हैं। तो हम यहां पर टुकड़े करते हैं, एक तो है इंसान, दूसरा है जिस्म, तीसरा है उजू, चौथा है निजाम। व्हाट इज द ह्यूमन? इंसान किसे बोलते हैं? कौन है इंसान? कौन है इंसान? हम हैं इंसान। अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। कभी हम अपने आप पर गौर ही नहीं करते कि अल्लाह ने हमको कैसा बनाया है। बेहतरीन बनाया है, बिना सांचे के बनाया है। जब इंसान कोई चीज बनाता है तो उसके लिए सांचा लगता है, लेकिन अल्लाह ने बिना सांचे के हमको पैदा किया, बेहतरीन पैदा किया। आंखों की जगह पे आंखें, कान की जगह पर कान, हाथ की जगह पर हाथ हमको दिया। यह हमारा जिस्म इससे तैयार हुआ है। इसी जिस्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से उजू हैं और ये कैसे मिलके बनते हैं, इसी का हम जो है तबक में मुताला करने वाले। हमारे इंसान जिस्म, तो हमारी बॉडी, हमारा जिस्म कैसे बना हुआ है, इसका हम मुताला करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उजू किसे कहते हैं। उजू, आप जानते हैं कि जानदार की सबसे बुनियादी इकाई जानदार किसे कहते हैं? जानदार, हर वो चीज जानदार है क्या? पंखा जानदार है क्या? बोर्ड जानदार है क्या? जमीन जानदार है क्या? आसमान जानदार है क्या? तो जानदार किसे बोलते हैं हम? जिसमें 6 हयाती अफाल होते हैं, जिनमें 6 खासियत होती है, उसे हम जानदार कहते हैं। कौन सी खासियत? तो हम जानते हैं कि जिसमें तग़ज़िये का अमल होता हो, जिसमें तनफ्फुस का अमल होता हो, जिसमें इस्तख़राज का अमल होता हो, जिसके अंदर नशो नुमा होती हो, जिसके अंदर हरकत होती हो और जिसके अंदर तौलीब का अमल होता। बच्चों, आप जानते हैं कि तग़ज़िया ग़िज़ा हासिल करने को बोलते। हर जानदार ग़िज़ा हासिल करता, ग़िज़ा लगती है उसको। हम इंसान हो, हैवानात हो या नबातात, नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, हम दूसरे की ग़िज़ा पर मुनसिर रहते हैं। तो तग़ज़िया जरूरी है। लेकिन कभी आपको इस बोर्ड ने बोला खाना लाके दो, तहारी होना, बिरयानी होना, कहा उसने? नहीं। तो जानदार जो है तग़ज़िये का अमल करते हैं। तनफ्फुस कहते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना। हम सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
अमल तलफ़ुज़ का फेल सिर्फ और सिर्फ जानदार कर सकते हैं, बेजान के अंदर ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तीसरा अमल इस्तखराज का अमल है, यानी बेकार मादों को खारिज करने का निजाम इस्तखराज कहलाता। खाएगा तो करेगा, है ना, जब इंसान जो है खाता है या कोई हैवान अगर खाना खाता है, घास खाता है, तो वो जो है बेकार फुजला बेकार मादा बाहर खारिज करता है, एक्सक्रीशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर भी जो है अल्लाह ने बेहतरीन निजाम रखा है इंसानों के अंदर, क्या है कैसा है हम आगे देखने वाले हैं, कैसे हम साफ सफाई जो है करते हैं। नबातात भी इस्तखराज का अमल करते हैं, जिसके अंदर देखिए गोवंद हो गया, उसका जो है छाल हो गई, राल हो गई, रबर हो गया, ये क्या है उसके बेकार मादे खारिज करने का निजाम। लेकिन क्या आपने देखा कि बोर्ड कभी जो है वो इस्तखराज का अमल कर रहा करता क्या? ये चेयर जो है वो इस्तखराज का अमल कर रही नहीं। नशोनुमा, जानदार जो है नशोनुमा का फेल अंजाम देता है, मतलब छोटे से बड़ा होने का अमल, ये सिर्फ और सिर्फ जानदार के अंदर, बेजान के अंदर ये नहीं पाए जाते, है ना। जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं, नबातात छोटे से बड़े होते हैं, है ना, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ नशोनुमा जानदार की खासियत है। हरकत, कभी आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर हूं, कभी आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर हूं, तो मैं हरकत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हरकत कर रहा हूं, तो हरकत ये जो है जानदार की खासियत। नबातात भी हरकत करते हैं, है ना, आपने जड़ों को देखा होगा कि वो पानी की तलाश में नीचे जाते हैं, आपने तने को देखा होगा कि वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, सूरजमुखी के फूल को आपने देखा होगा कि वो किधर रहती, सूरज की तरफ जो है अपनी चेहरा किया हुआ होता है, और जिधर जिधर सूरज जाता होता है उधर वो हरकत करते हैं। आपने कली को फूल बनते हुए देखा होगा, ये भी क्या है, एक तरह की हरकत उसके अंदर दिखाई देती है, है ना। लेकिन क्या कभी आपने इस बोर्ड को हरकत करते हुए देखा? नहीं। क्या आपने इस चेयर को हरकत करते हुए देखा? नहीं। वो खुद से हरकत कभी नहीं करेगी, कयामत तक ये नहीं रहेंगी, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो गैर जानदार, क्योंकि वो गैर जानदार है, जानदार के गैर जानदार के अंदर हरकत, तो हरकत किसमें है? जानदार के अंदर है। उसके बाद तौलीद कहते हैं, यानी अपने जैसा जानदार पैदा करना, है ना, शेर से शेर का बच्चा, इंसान से इंसान का बच्चा, गधे से गधे का बच्चा जो है पैदा होता है, आम से आम कदरा, जाम से जाम कदरा, तरबूज से तरबूज से तरबूज जो है पैदा होता है। तो हर जानदार अपने जैसा जानदार पैदा करता है, उसे अमले तौलीद कहते हैं। यही बात दिमाग में। तो ये तमाम काम जो है सिर्फ और सिर्फ जानदार करते हैं, इन कामों को हयाती अफ़ाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हयाती अफ़ाल कहा जाता है। हयात के माने जानदार, जिंदगी, अफ़ाल के माने काम। कौन से काम? जो सिर्फ जानदार कर सकते, ये छह काम हयाती अफ़ाल कहलाते हैं। तो ये जो है जानदार, अब इन जानदार का जिस्म, ये जो जानदार है, इस जानदार का जिस्म कैसे बना? तो आपको मालूम है कि खलिया जो है सबसे बुनियादी इकाई क्या है? खलिया। खलिया क्या है? जानदार की सबसे छोटी इकाई है खलिया। जिस तरीके से ये बिल्डिंग बनती है ईंट से, किताब बनती है हर्फ से, उसी तरीके से हमारे जिस्म की जानदार की सबसे छोटी इकाई वो खलिया है, जिसको सेल कहा जाता है। हमने एट के अंदर इससे पहले जो है इसकी मालूमात हासिल की, अगर आप लोग दे देंगे जो है जरूर देखिए। खलिया कहते हैं, और खलिये से मिलकर बनती है बाफ। क्या बनती है? बाफ बनती है। बाफ से मिलकर बनता है उजू, उजू से मिलकर बनता है उजवी निजाम, और उजवी निजाम से मिलकर बनता है जिस्म, और जिस्म से मिलकर बनता है जानदार। तो है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, समझ रहे?
हमारे जिस्म के अंदर बेपनाह जो है खलियात है, बहुत ज्यादा खलियात है, इतने खलियात हैं कि इन खलियात की निकाल कर एकदम भी रस्सी अगर बनाई जाए तो हम हमारी दुनिया के 4.5 चक्कर लगा सकते हैं। अंदाजा तो लगाइए कितने खलियात हमारे जिस्म में। तो खलियात खलिया से मिलके बास, बास से मिलके उजू, उजू आप एक उजू, दिल एक उजू, फेफड़ा एक उजू, जिगर एक उजू, छोटी हाथ एक उजू, बड़ी हाथ एक उजू, कई उजू है, हाथ एक उजू, सर एक उजू, पैर एक उजू, उजू मतलब एक हिस्सा, और ऐसे उजू मिलकर उजवी निजाम बनाते, सिस्टम बनाते। मिसाल के तौर पर खाने का निजाम है उजवी निजाम, कई उजू मिलकर काम करते। हमारी खाना खाते वक्त आंख काम कर रही है देखने का, हाथ काम कर रहे हैं उठाने का, मुंह में हमने डाला चबा रहे हम तो दांत काम कर रही है, जैसे ही निकला तो जो है मैदे में गया, मैदा अपना काम कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा, मैदे के बाद छोटी आंख काम कर रही, बड़ी आंख काम कर रही। तो कई उजू मिलकर उजवी निजाम तैयार करते हैं, इसको कहते हैं जो खाने का निजाम है निजामे इन्हिजाम। कर रहा नहीं कर रहा भाई, उसी तरीके से बहुत सारे निजाम काम करते हैं। खून का निजाम हमारे जिस्म के अंदर है, दिल काम करता धड़कता, हमारा दिल हमारे मुट्ठी के उतना है, बोलते ना बड़ा जरा। तो हमारा जो दिल है वो हमारी मुट्ठी के उतना है। आप अपनी मुट्ठी जो है बंद करके देखिए कितना हमारा दिल है। तो ये हमारा दिल है जो लेफ्ट साइड होता है, यानी बाएं जानिब हमारा दिल है। इसका वजन जो है 360 ग्राम का होता है, 360 ग्राम का हमारा दिल है, और हमारा दिल मुसलसल धड़कते रहता, धक 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 करते रहता है। एक सेहतमंद इंसान का दिल एक मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है, सुकुड़ता है फैलता है, सुकुड़ता है फैलता है। दिल जो है ये बिल्कुल मोटर की तरह होता है, जिस तरीके से हमारे घर के अंदर पानी की मोटर होती है जो पानी को लेती है फेंकती है, लेती है फेंकती है, घर में का पानी बाहर फेंकती नहीं, बल्कि बाहर का पानी अंदर जो है नल आता, नल के हम भरते हैं। उसी तरीके से हमारा दिल भी जो लेफ्ट साइड में है वो धड़कता है और वो खून को लेता है फेंकता है, लेता है फेंकता है, लेता है फेंकता है। पहले खून जिस्म से दिल में आता, दिल से फेफड़ों में जाता, फेफड़ों से दिल में आता, दिल से जो है जिस्म में जाते रहता। तो यहां पर भी खून क्या हो रहा, दौड़ता है नसों में, शिरियान और वरीद में। तो यहां पर भी एक निजाम चलते रहता जिसको हम दौराने खून का निजाम कहते हैं। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, दिल कहां रहता, किधर रहता, कितना रहता, कैसे रहता, अगर आप हमारे साथ बने रहे। ऐसे बहुत सारे निजाम, दिमाग का निजाम है अजबी निजाम जिसको बोलते हैं। जिस तरीके से हमारे घर पर हमारे अब्बू जो है क्या करते हैं, राय मशवरों से काम करते हैं, तमाम कामों को देखते रहते हैं, उसी तरीके से स्कूल में आपके हेडमास्टर आपको जो है स्कूल के ऊपर उनकी निगरानी होती है, उसी तरीके से हमारे जिस्म पर दिमाग का कंट्रोल होता है, दिमाग तमाम कामों को कंट्रोल करता है। एक बात समझ में, तो यह हमारा अजबी निजाम है। खाना खा रहे तो निजाम निजाम है, बेकार मादों को खारिज करने का इस्तखराजी निजाम है। तो ये तमाम जो है उजवी निजाम मिलकर अंजाम देते हैं, उजवी निजाम से जिस्म बनता, जिस्म से जानदार तैयार होते हैं। तो इस सबक के अंदर हम इन्हीं निजाम के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। एक बात समझ में, चलिए हम शुरू करते हैं अमल तनफ्फुस। देखिए हम जो है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, हमको गिजा की, हमको पानी की और हवा की। अमल तनफ्फुस यानी सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल अमल तनफ्फुस कहलाता है। अमल तनफ्फुस के अंदर
जो है तीन मरहले या तीन इसकी किस्में हैं, एक बैरूनी तनफुस, अंदरूनी तनफुस और थर्ड वन इज खलवी तनफुस। ये तीन टाइप्स के रेस्पिरेशन सिस्टम जो है होते हैं, जिसमें से पहला रहा बैरूनी तनफुस है। बैरून के मायने ही बाहर का होते हैं, बैरून मतलब बाहर का। तो बैरूनी तनफुस में दो होते हैं, देखिए सांस लेना हम क्या कर रहे हैं, भाई पहला अमल बैरूनी तनफुस में सांस लेने का है, जिसमें हम बाहर की हवा अंदर डालते हैं, यानी फेफड़ों में जमा होती है। तो बाहर से हवा अंदर गई, ये देखिए बाहर की हवा फेफड़ों में गई, तो इसको सांस लेना बोलते हैं हम। ये सांस लिया मैंने और ये सांस छोड़ा, तो ये सांस खारिज करना यानी फेफड़ों की हवा बाहर खारिज करना क्या कहलाता, सांस खारिज करना कहलाता। ठीक है, तो ये हो गया बैरूनी तनफुस। सेकंड में अगर हम देखें तो ये अंदरूनी तनफुस, अंदर क्या होता, अंदर जब हवा फेफड़ों के अंदर गई तो उसमें से फेफड़ों में से ऑक्सीजन, फेफड़ों में से ऑक्सीजन जो है वो जस्ट की जाती, वो जस्ट की जाती और खून में मिलाई जाती। खून मालगाड़ी की तरह उस ऑक्सीजन को लेके जाता है और वो खलिये को देता। खलिया कहां पर है, तो हमारे जिस्म में खलिया ही खलिया है, हर खलिये को ऑक्सीजन की जरूरत, चंदे को छोड़ के। इसमें आरबीसी है, आरबीसी इसको जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर जो है खलिये के बीच में तबादला होता है, ये ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये अंदरूनी तनफुस कहलाता। वी नो दैट, वी लर्न दैट, इससे पहले हमने पढ़े। और उसके बाद खलवी तनफुस, यहां पे पहले बोल रहा हूं खलिये के अंदर अंजाम पाता। अब आप खलिये के अंदर आपको मालूम है कौन रहता जी, माइटोकॉन्ड्रिया रहता, कौन रहता जी तवानिया रहता, कौन रहता जी तवानिया का घर रहता। ये तीनों एक ही छे, माजिद बोलो, मज्जू बोलो, खासी ले बोलो, एक ही छे, नाम अलग अलग है काम एक ही छे। तो वैसे ना खलवी तनफुस के अंदर, खलिये के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दवानाएं तैयार करता है, कैसे, तो ग्लूकोस, ग्लूकोस C6H12O6, यू नो दैट, वो ग्लूकोस है जो खाने की वजह से, खाना हमने खाया था, दांतों से चबाया था, दबाव से हलाया था, और जब हमने उसको निकला था तो वो मेदे में गया था, मेदे से छोटी आंत में गया था, छोटी आंत ने जस्ट करके खून में मिलाया था, खून ने लेकर गया था, पहुंचाया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोस पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन ने ग्लूकोस की तकसीब की, क्या की बच्चों, तकसीब की, ऑक्सीडेशन किया, क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, यानी ग्लूकोस को तोड़ा। जैसे तोड़ा एटीपी निकला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है तवानाई है, ये क्या है, तवानाई है। इस तवानाई का इस्तेमाल हम चलने फिरने बोलने दौड़ने भागने के लिए करते हैं। साथ ही हमारे पास तैयार होती है पानी, जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बेकार मादा है हमारे जिस्म का, और जो हमारे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम उसे निकाल कर फेंक देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़ों के जरिए बाहर खारिज कर दी जाती है। यू नो दैट, वी लर्न दैट, समझ में ये बात। तो इस तरीके से अमल तनफुस का अमल अंजाम पाता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने तो ये देख लिया कि अमल तनफुस कैसा करते, सांस ली छोड़ दी, इसी में बस नहीं है, फेफड़े काम कैसे करते, उसके लिए अगला वीडियो देखिए, बहुत जल्द आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।